मैं प्रभात कुमार रंजन, बांकीपुर मछरियाँ पंचायत के ग्राम घुनपुरा के रहने वाला हूँ। मैं मुखिया प्रतिनिधि भी हूँ और समाज सेवी भी। आप मछरियाँ पंचायत के मुखिया के प्रतिनिधि हैं। जी आपके पंचायत में क्या क्या विकास रुका हुआ है और कैसे अपने विकास को आगे बढ़ाएंगे, पंचायत को कैसे नंबर वन बनाएंगे, थोड़ा सा बताइए। मेरे पंचायत में करीब करीब शौचालय बना दिया गया है। सभी गांवों को रोड से जोड़ दिया गया है। हमारे पंचायत में सिर्फ पंचायत सरकार भवन के जमीन की अनुपलब्धता के कारण अभी तक नहीं बन सका है, लंबित पड़ा हुआ है। कहाँ रुका हुआ है आपका, ये जो पंचायत का लंबे फंसा हुआ, कहाँ फंसा हुआ? कहाँ फंसा हुआ नहीं है, जो मेरे यहाँ जो जमीन है वो पैन है। पैन में कोई NOC दे नहीं सकता है, सरकार की बाध्यता है, इसलिए वो फंसा हुआ है। जमीन तो मेरे यहाँ पैन किस्म का ढेर सा है भरा हुआ, जो कि पब्लिक यूज कर रहे हैं। यदि उसमें NOC मिल जाता है तो हम लोग को बनाने में कोई कठिनाई नहीं। करीब 4 एकड़ आपके जमीन है। क्षेत्र में पढ़ाई का क्या हाल है? पढ़ाई का ठीक ही हाल है। हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री जी पर साल 26 जनवरी 2020 को जनोत्तोलन करने मेरे क्षेत्र में आए थे। उसमें हाई स्कूल का घोषणा किए थे। बिल्डिंग तो अभी नहीं बन सका है, मगर जमीन उपलब्ध है नल जल योजना और में का प्रोसेस में है। और जमीन बाकीपुर विद्यालय में उसको विद्यालय को सुचारू ढंग से चालू कर दिया गया। आपके क्षेत्र में नल जल योजना पक्की सड़क का क्या हाल है? नल जल योजना मेरे वार्ड में सभी नल जल का योजना कर दिया गया है। सिर्फ 4 में टावर नहीं लगे हैं, जो भी 15 अप्रैल तक सभी टावर लग के पूर्ण हो जाएंगे। कितना वार्ड आपके क्षेत्र में? 17 वार्ड हैं, 13 में लग चुका है, 4 में बाकी है। 4 में बाकी है, सिर्फ टावर बाकी है, पानी चालू है, पानी पूरे पंचायत में जा रहा है कितने जा नल रहा लगा है? है ना, जा रहा है। पूरे पंचायत में जा रहा है। अभी पंचायत का चुनाव का घोषणा डेट की नहीं हुई है, तैयारी कैसा आप सर? तैयारी तो हम लोग लगे हुए हैं। हम तो 5 बरस लगे हुए हैं। मैं 15 बरस से लगातार प्रतिनिधि हूँ, कभी वर्तमान में मुखिया हैं। और फिर जीतेंगे, जीते में कोई कोर कसर नहीं है। प्यार मतलब क्या आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो कैसा प्यार मिल रहा है लोगों का? प्यार कोची, प्यार पर प्यार, प्यार बोलिएगा तो कम है, प्यार पर प्यार मिल रहा है। मतलब इश्क हो रहा है हाँ, प्यार से बड़ा। प्यार से बड़ा इश्क हो रहा है। कम से कम जीत होगी 1,000 वोटों से ऊपर से। मतलब ऐसा लग रहा है आपको घूम रहे हैं तो जीत पक्की आपकी पक्की कौची की, दम पक्की है, है, एकदम एकदम पक्की, किसी से कोई पक्की। मुकाबला नहीं कोई है। मुकाबला नहीं, किसी से कोई मुकाबला नहीं। अगर इस बार भी अगर जनता जनार्दन आपको कुर्सी पर बैठा देती है दोबारा, तो कैसे अपने क्षेत्र में क्या क्या कमी है जो दूर करना चाहेंगे आप? देखिए, जो अभी तक क्षेत्र आपने में काम किया उसमें क्या क्या और काम जो काम बाकी रह गया है उसको कैसे चमकाइएगा? हल्का फल्का नली गली का काम रह गया है, बहुत नॉर्मल 2%। बाकी है वो मैं पूरा करूंगा, हर एक गांव का रोशन करूंगा और रोड के दोनों तरफ वृक्ष लगा के हरा भरा करूंगा। और रोड किनारे जहां भी सरकारी जमीन होगा उस पर पार्क बनाने का भी काम करूंगा। और समूचे गांव को, समूचे वार्डों को रोशनी से मैंने जोड़ दिया जाएगा। मेरा नाम राम स्वारथ प्रसाद, ग्राम जी मलवेगहा, पंचायत बाकीपुर मछड़ियावा, प्रखंड दनियामा, जिला पटना का निवासी हूँ। आपके क्षेत्र में मुखिया जी का काम कैसा है? मुखिया जी के काम का तो कुछ कहना ही नहीं है। प्रभात कुमार रंजन से 2007 से ही मेरा जब से लगाव हुआ, चूंकि यहाँ नहीं रहते थे, मैं पहले बाहर रहता था, 2007 से ही इनको जो है अगला जो चुनाव जिताए इनका पत्नी का, उन्होंने प्रमुख बने। प्रमुख में जो विकास का जो काम किए वो माने कुछ कहना ही नहीं है। सारे गांव से भी कोई ऐसा नहीं है नल्ली गली जो कि ये हुआ। उसके बाद दूसरा चुनाव में जो जेंट्स हुआ उसमें जो है प्रभात कुमार रंजन को पंचायत समिति से जिताए, लेकिन कुछ कारण से जो थोड़ा 1 वोट से इसने इन्होंने हार गए, जिससे प्रमुख बने से बचे। फिर भी उन्होंने सारा गांव में जो जो ढलाई मेरा पंचायत में जैसे जे
किशमिरिया हो गया, घरौनपुरा हुआ, सिकंदरपुर हो गया, मकसूदपुर हुआ, मलबिगहा हुआ, ये शिवचक हुआ, खुशियालपुर हुआ, माने सारे गांव में ढलाई करवा दिए मतलब हैं। मुखिया जी के काम काज से आप एक खुश सुनिए, हैं। हाँ पंचायत समिति दो था इसलिए इनका पूरा काम हो गया था। उसके बाद जनता का सोच था कि अगला बार मुखिया चुनाव यही जीते, और सारे लोग जात पात से उठ के, हम लोग भी जात पात से उठ के हैं जिनको जो मदद करते हैं। उसके बाद इन्होंने चुनाव जीते तो मुखिया बने। तो इस बार जहां तक जो वार्ड माने मेरे यहाँ छूटा हुआ था 8-9, वो सारे गांव में अथी नली और गली सारा जगह करवा दिए। और जो है जल नल वो हमारे यहाँ भी चालू है, लगभग सब जगह चालू हो चुका है। मैंने एक दो जगह भी हम पूर्व गए थे इनके साथ में, उसमें बचल है, वो भी चालू हो जाएगा 10-15 दिन में।